हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी पूजा मैम आप सभी का शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की कक्षा है सामान्य ज्ञान की और सामान्य ज्ञान में आपका सिलेबस पूरा हो गया है। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं रिवीजन। तो चलिए करते हैं रिवीजन। स्टार्ट करते हैं हम पेज नंबर 42 से, मेरा भारत महान से। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरा भारत महान में इसमें आपको दे रखा है कि आपको अपने देश के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि देश का नाम क्या है, राजधानी क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, रचयिता राष्ट्रीय गान के राष्ट्रीय गीत के रचयिता, हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रपिता का नाम क्या है, देश की मुद्रा क्या है, और स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को होती है। ठीक है, ये आपको इस तरह से याद होना चाहिए। आपका वन वर्ड आंसर में आ सकता है, यानी कि एक शब्द में उत्तर दो, इस प्रकार से आपका आएगा, तो आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए भारत के पड़ोसी देश में आपको पता है, जिस तरह से दिया हुआ है कि पश्चिम बंगाल में कौन स्थित है, म्यांमार है, हिमालय में स्थित अन्य देश कौन सा है, नेपाल है, झंडे का रंग हरा है तो पाकिस्तान का हरा है, किसकी राजधानी थिम्पू है तो भूटान की है, अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, भारत है, बर्मा का प्रारंभिक नाम क्या था, म्यांमार था, इस देश के झंडे का सुनहरा शेर तलवार पकड़े हुआ तो श्रीलंका के झंडे पैसा हो रहा है, देश की राजधानी ढाका और मुद्रा है तो ये बांग्लादेश है। ऑलराइट, उसकी ये वाला लेसन आपको इस प्रकार से आएगा, तो आप अच्छी तरह से इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर है आपका 45, पार्ट 16, 7 अजूबे इस दुनिया के। तो आपको 7 अजूबे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अजूबे कहाँ पर स्थित हैं। जैसे कि अगर आपको दिया है ताजमहल तो आप लिख देंगे आगरा, महान दीवार दी है तो आप लिख देंगे चीन, अगर क्राइस्ट द रिडीमर लिखा हुआ तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, ब्राज़ील, और चेचन इज़्ज़ा कहाँ पे है, मेक्सिको में, पैतरा कहाँ है, जॉर्डन में, माचू पिचू कहाँ स्थित है, पेरू में, और इसी प्रकार से कोलोसियम कहाँ पे है, रोम में। आपको इनके स्थान के नाम पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए विश्व में सबसे बड़ा छोटा जो है पेज नंबर आपका 46, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि सबसे पर्वतीय चोटी ऊँची कौन सी है, है ना, सबसे छोटा देश कौन सा है, लंबा आधार सहित लटका हुआ पुल कौन सा है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, आपको इस प्रकार से इसका उत्तर मालूम होना चाहिए। जरूरी नहीं है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, अगर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, एक शब्द उत्तर दिए लिखा होगा तो आपको अपने आप से उत्तर से लिखना होगा। ऑलराइट, उसके बाद पेज नंबर 47 में देश उनकी राजधानियाँ हैं, तो अलग अलग देश हैं उनकी राजधानियों का नाम आपको पता होना चाहिए। तो आप टेबल की तरह लिख सकते हैं कि एक तरफ आप देश लिख दीजिए और दूसरी तरफ आप उसकी राजधानी के नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार से सारे देश की राजधानी अलग अलग इस तरह से याद कर लीजिएगा। ऑलराइट, आपको सबकी राजधानियाँ पता होना चाहिए। उसके बाद पेज नंबर है 48, आविष्कार। तो आविष्कार में इस प्रकार से हो सकता है कि राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया, तो आप लिखेंगे हवाई जहाज का, थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या किया, बल्ब का आविष्कार किया, फॉरनहाइट ने किसका किया, तो थर्मामीटर का किया। ठीक है, लिविज द ई वाटरमैन का हुआ, तो किसने का आविष्कार किया, उन्होंने किया है फाउंटेन पेन का। जेम्स वॉट ने किया है भाप के इंजन का, और मार्कोनी ने आविष्कार किया है रेडियो का। आपको इस प्रकार से ये करना है। ऑलराइट, उसके बाद देखिए पेज नंबर है 51, वैज्ञानिक उपकरण। तो आपको पता होना चाहिए एक उपकरण का नाम क्या है, ये आपके फिल्डा ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर डैश होगा, डैश की सहायता से डॉक्टर मरीज की हृदय और फेफड़ों की जांच करते हैं, तो आप लिखेंगे स्टेटोस्कोप। उसी प्रकार से स्पीडोमीटर की सहायता से क्या करते हैं, किसी वाहन की गति का पता चलता है, और सूक्ष्म दर्शी की सहायता से क्या होता है, कोई भी छोटी वस्तु आराम से बड़ी देखी जा सकती है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से देखिए लिख सकते हैं कि खाली स्थान के फॉर्म में आ जाएगा। तो मैंने आपको रिवीजन इतना करवा दिया, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज की ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद आप लोग बच्चों एग्ज़ाम देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।